मुझे ना सिग्नल दीजिएगा, मैं शुरू करूँ। अभी नहीं, कुछ नहीं करना आपको, खैर सब थोड़ा ऐसे रहो। हम जे एंड के ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट है, इसमें बहुत सारी जो ओबीसी से रिलेटेड अलग अलग जातियों के जो एसोसिएशन है उनका फ्रंट हमने बनाया हुआ है। आपको याद होगा कि 18 नवंबर को भी हमने यहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट किया था बड़ा पीसफुल, जिसमें हम ये बता दिए थे कि अमित शाह जी ने बहुत ही बड़े अच्छे ताकत से आर्टिकल 370 हटा दिया और ये बोल दिया कि जम्मू कश्मीर को हम मुल्क जैसा बनाना चाहते, डेवलपमेंट के रास्ते में ये एक बहुत बड़ी दीवार थी। तो उसके बाद से हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में 27% जो है रिजर्वेशन दिया जाता है सारी ओबीसी कम्युनिटीज को। एक जम्मू कश्मीर है जहां पे हमारी पिछली सरकारों ने हमें 2% रखा था और मर्मू जी ने, गवर्नर साहब जो थे, उन्हें 4% कर दिया। लेकिन कि ये 27% की जो हम होप में थे कि ये 27% करेंगे, ये पिछड़ा तबका हमारे साथ जातियां हुई है, इन लोगों ने बड़ी ठगी की है हमारे साथ 17 साल। इन लोगों ने हमारे साथ उम्मीद बढ़ाई थी, हम ये भी देख लिए कि इन्होंने 27 पार्लियामेंट मेंबर्स को लाया मोदी जी ने और उनको वजारतें दी ताकि ओबीसी कम्युनिटीज को आगे लिया जाए। तो हम ये मोदी जी से पूछते हैं, हमें आप पे भरोसा था अमित शाह जी, हमें आप पे भरोसा था कि आप ओबीसी को यहाँ पे जो है अपना हक दोगे, जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है वही रिजर्वेशन हमें यही मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हम रिसेंटली उनके लीडर जो यहाँ पे है पार्टी के, हम कोल साहब से, अशोक कोल जी से मिले और रविंद्र रैना जी से मिले, उन्होंने भी बता दिया कि हम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हम भी देख रहे हैं कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग भी हमें वादा दें और कुछ ना करें, जिस तरह हमारे साथ 17 साल से होता आया है। क्या है आपका मुतालबा? हमारा ये कि फटाफट ये जो है जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का मंडल कमीशन पे 1992 का, वो जल्द जल्द यहाँ पे लागू किया जाए। देखिये हम मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम मासूम लोग हैं, हमें मजबूर न करें कि हम बच्चे फैमिली औरतें लेके रोड पे आए और एक तहरीक चला देंगे कि ये सब लोग हमें झूठ बता रहे हैं, हमसे दगाबाजी की जा रही है। मैं हम इनको कहते हैं कि देखिए हम बड़े अदब से और बड़े तमीज से और बड़े प्यार से बता रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा आईनी हक है, हमें दे दीजिए। ऑफ कोर्स जो पूरे देश में जैसे चल रहा है, ये मेरी उम्मीद अमित शाह जी और मोदी जी से अपील है, जैसे आप पूरे मुल्क में चला रहे हो ओबीसी के लिए, वैसे यहाँ पे किया जाए, हम कुछ डिफरेंट नहीं मांग रहे। थैंक यू।